हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंजेश। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट जब भी हम कोई मनी किसी से बोरो करते हैं तो उसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई प्रिंसिपल अमाउंट पूछे मूलधन लेंगे जिसपे हम लोगों को इंटरेस्ट देना, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा और उसपे जो हम लोग इंटरेस्ट देंगे उसको जब पूरा अमाउंट जब सब एक निश्चित समय के बाद वापस करेंगे उसे क्या कहते हैं? अमाउंट। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में जानना है? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें हर साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? एक प्रिंसिपल अमाउंट निश्चित होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो अब इसमें आप लोगों को किस किस वैल्यूज पे हुआ करना है? एक होगा ए, यानी कि एक निश्चित अमाउंट। पी, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? एक निश्चित मूलधन जो कि बरोड मनी होगा। बरोड मनी, ठीक है। और फिर होगा हमारा एसआई वर्ड यूज करेंगे किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? एसआई। रेट के लिए हम लोग आर लगाएंगे। रेट क्या होता है? रेट एक ऐसा परसेंटेज होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगा करता है जिसके हिसाब से हमको पैसे वापस करते समय हमको वो रेट लगाना है। यानी कि जब हम लोग रेट परसेंटेज लिखेंगे तो क्या होगा? वो रेट लगेगा हर एक 100 रुपए के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि परसेंट का यूज कैसे करना है। तो रेट परसेंट किस पे लगेगा? 100 के ऊपर। फिर एक टाइम होगा, टी क्या होगा? हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। टाइम ड्यूरेशन कैसे होगा? एक निश्चित टाइम जिसके लिए हमको पैसे उधार मिले हैं वो क्या कहलाता है? वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। तो हमको इन वर्ड्स का यूज करना है। तो इसको इसके हिसाब से अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है एसआई का प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर परसेंट इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। तो ये कैसा होगा? पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी। अब चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका अमाउंट जब निकालेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा? हमने बताया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसे उधार लिए हैं उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो पूरा मिलेगा अमाउंट जब हम वापस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पी प्लस पी इंटू आर प्लस टी अपॉन 100। या फिर इसको सिंपल से कहें, दोनों से पी हम लोग कॉमन ले लेंगे। पी 1 प्लस आर इंटू जब निकालेंगे अमाउंट क्या हो जाएगा? हमने बताया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसे उधार लिए हैं उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो पूरा मिलेगा अमाउंट जब हम वापस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? P प्लस पी इंटू आर प्लस टी अपॉन 100। या फिर इसको सिंपल से कहें, दोनों से P हम लोग कॉमन ले लेंगे। P 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ये किसका होगा? ये फॉर्मूला होगा अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट में जो हम लोग लौटाएंगे एक निश्चित समय के बाद। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला है तो इससे हम जो हमको जो अमाउंट का फॉर्मूला मिला है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल देकर देखते हैं जिसमें से हमको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे हमको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अनीता टेक्स अ लोन ऑफ आरएस 5000 एट 15% पर ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि अनीता क्या करती है?
लोन लेती है 5000 रुपए के 15% के रेट पे, यानी कि हर साल उसको 15% का रेट देना पड़ेगा। तो फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है हमको ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि चीजें हमको दी क्या गई है, कि उसने लोन कितना लिया। मैंने बताया था जो बरोड मनी होगा उसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, RS 5000। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट परसेंट 15% है। और टाइम ड्यूरेशन उसने कितना लिया है, 2 ईयर्स। यानी हमको ये सारी चीजें दी हुई है, हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। हमको ऐसा ही फाइंड करना है कि 2 साल के बाद वो उसको कितना पैसा वापस करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे SI का, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, तो दैट इज इक्वल्स टू P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टाइम। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बार बार हमको ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग इंप्लाइज ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 5000 इंटू टाइम 2, यानी कि 2 ईयर्स के लिए हम लोग ले रहे हैं। हमारा जो परसेंट है वो किसके हिसाब से चल रहा है, ईयर के हिसाब से, पर ईयर, इसलिए हम लोग ईयर्स में इसको काउंट कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि RS 1500 उसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1500 आएगा। टोटल अमाउंट यदि अगर उसको पे करना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5000 और SI है उसका 1500, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6500। तो इतना अमाउंट अनीता को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और दूसरा हमने जो फॉर्मूला निकाला था सीधे अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी अमाउंट निकालने में काफी इजी होगा और टाइम हमारा काफी सेव होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू बैलेंस बुक करेंगे 5000, 1 प्लस रेट 15 इंटू टाइम 2 अपॉन 100। तो अमाउंट क्या होगा, हम इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 30 अपॉन 100। तो अभी क्या हो जाएगा, इससे कटेगा 15 इंटू 130 तो हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है दोनों में अमाउंट सेम आ रहा है। तो अगर हमको डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला तो ये कि हम सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए, फिर उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है तो उसमें हम लोग अमाउंट को प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल अमाउंट से ऐड करके सीधे जो मेन अमाउंट है जो हमको वापस करना है हम वो निकाल लें। दूसरा तरीका है कि हम सीधे अमाउंट का फॉर्मूला रख दें कि P इज इक्वल टू P होल 1 प्लस RT अपॉन 100। हम इसका फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट अमाउंट निकाल लें जिसको हमको देना है। जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो जब सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल जाता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में एक हेल्प मिल जाती है, एक अलग से कड़ी रहती है अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता है। तो कैसे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ये इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका जैसा नाम है कंपाउंड, ये जटिल है, इसको फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या करता है
ज्यादातर कॉम्पिटेटिव साइंस में इसी को पूछता है कि किसी भी किसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में एक स्पेशल चीज ये होती है कि इसका फॉर्मूला सेम चलेगा, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, लेकिन ये केवल एक साल के लिए होगा, ये केवल एक साल के लिए होगा। ये इसका एसआई जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट एक साल के, तो इसका जो अमाउंट बनेगा अमाउंट भी पहले साल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले साल जो अमाउंट बनेगा उसका भी बनेगा वैसे ही पी प्लस एसआई। लेकिन अगले साल जब सेकेंड ईयर होता है, जब अगले साल भी हम इसको निकालेंगे, तो अगले साल में क्या होगा कि जो इसका अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है जिसमें पी प्लस एसआई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए ये पूरा का पूरा ये खुद एक पी बन जाएगा। यानी कि जो हमारे अमाउंट है अब जो कंप्लीट ब्याज के साथ एसआई लगाकर दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अब हमको इसमें फिर से ही फॉर्मूला लगाना है, जो नया प्रिंसिपल अमाउंट आया है तो वो क्या हो जाएगा, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नया एसआई आएगा इसको यूज करने के बाद, तो इसको फिर जब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे ये जो हमारा अमाउंट आया है इसको हम लोग अब क्या कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। तो अब ये जो अमाउंट है इसमें एसआई को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि पी वन को क्या करेंगे एस वन से जोड़ देंगे। तो इससे फिर जो नया अमाउंट बनेगा तो वो क्या करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अरे दादा इतना प्रेशर हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि इसको निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, इसके लिए काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ती, काफी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक एग्जांपल से करके देखते हैं जिसमें ये क्या होगा करना थोड़ा सा इजी लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 इयर्स एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये इंपॉर्टेंट टर्म कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको साल भर में तो मिल रहा है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो हर एक साल में लगेगा, यानी कि हर एक ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा बदलेगा, मतलब कि हर एक साल में जो अमाउंट बनना है इंटरेस्ट के साथ हम लोग साल भर के बाद उसको क्या बनाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट बनाएंगे। ये मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली का। तो अब क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक सिंपल सा जो फॉर्मूला हमको पता है एसआई का पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो हमको यहां पर क्या दिया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है 8000, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ये हमको दिए हुए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो पहले हम उस तरीके से निकालते हैं जब हमको फॉर्मूला नहीं पता हो, जो कि हमको सॉल्व करने में कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथी है पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो ये कैसा होगा पहले हम करेंगे उसी फॉर्मूले से। तो इसका क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8000, टाइम हमने बताया था जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो टाइम हमेशा 1 ईयर रखेंगे, कब जब हम लोग सिंपल फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। इसमें रेट है 1500 का, सॉरी 10% का, तो 10/100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 800 रुपीज। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट हमारा बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8000 प्लस ये 800, यानी कि 8800 क्या बनेगा हमारा अमाउंट बनेगा। और हमने क्या बताया था कि जब नेक्स्ट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा ये पूरा का पूरा अमाउंट ही प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। यानी कि अब नया प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, हमारा जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए हम जो सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ही जो फाइनल अमाउंट बना है एक साल के बाद हम लोग उसको यूज करेंगे। हमारा जो एसआई बनेगा हमारा सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा एसआई लगेगा उसमें क्या बनेगा जब हम लोग टी1 लेंगे टाइम इंटू आर अपॉन 100
तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगेगा, हमने बताया कि नया लगेगा जो अमाउंट बना 8,800 और टाइम एक साल का ही लेना है और रेट कितना है 10% का। तो अब नया जो हमारा एसआई बना है सेकेंड ईयर के लिए, तो वो क्या बना 880 रुपीज। तो अब हम लोग जो अमाउंट देंगे सेकेंड ईयर के बाद, जो अमाउंट हम सेकेंड ईयर के बाद देंगे वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये बना 8,800 एंड प्लस 88, ये कितना हो जाएगा 086। तो हमारे जो अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर के बाद वो कितना बनेगा 9,680। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना। तो अब ये क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी है जिससे हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, उसमें डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इनटू टाइम। ये जो हम यहां पर टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे जो ऊपर यहां पे पावर पे टाइम है, यानी कि ये कंपाउंडेड कैसा है, कंपाउंडेड एनुअल के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आप सालाना ही करना है तो हमको कंपाउंडेड एनुअल ही करेंगे, यानी कि टाइम जितना है उसी के हिसाब से रखें। तो वैल्यूज रखते हैं, जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा है 10%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स का टाइम, हमने सीधे सेम की वैल्यू से पुट कर दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 8,000 इन ब्रैकेट ये घटेंगे जीरोस, अब ये क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, अब ये हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 2, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 11 अपॉन 10 का होल पावर, यहां पे पावर लगी तो हम लोग क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 11 अपॉन 10, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे पावर की ऐसा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 121। जब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 1 8, 8 2 16, 31 9। दोनों तरीके से हमारा क्या आ रहा है, हमें अमाउंट मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमारी वैल्यू आ जाती है और हमको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। लेकिन ये जो है इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, हमको स्क्वायर याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ा, कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा सा कम लगेगा पर इसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी करने पड़ते हैं। तो ये जो है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जब हम इसको एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं मतलब कि हम इसको साल के हिसाब से, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे जो चेंज होगा, हमने यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज किया वो कब बदल रहा है, साल भर में बदल रहा है। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दें, अगर हम इसको कंपाउंडेड एनुअली ना करके हाफ ईयरली कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बदलेगा वो कितने बदलेगा, हर 6 महीने में, हर 6 मंथ में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कब लग रहा है, एनुअली ना लगे हाफ ईयरली लगे। तो आज की क्लास के हिसाब से मैंने यहां पे क्या किया, 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पहला है असम ऑफ ₹10,000 इज बरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द अमाउंट दैट हैज टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि ₹10,000 बरो किए जाते हैं 15% के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से, कितने साल के, 2 साल के। तो अब 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से,
और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा दो साल के बाद। और दूसरा क्वेश्चन है, वासुदेवन इन्वेस्टेड आरएस 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। यानी कि वासुदेवन ने क्या किया कि 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट रेट कितना लगाया 12% पर एनम, कंपाउंड किसके हिसाब से किया जाएगा सालाना के हिसाब से उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलना है और 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलना है। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए। थैंक यू।